नमस्कार एस न्यूज़ में आपका स्वागत है पेश 26 चच अगस्त शुक्रवार दोपहर सवा एक बजे राजस्थान की दस बड़ी खबरें सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर गोविंदगढ़ एस 10 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार एसीबी को देख वकील ने सड़क पर फेंक के छः लाख रुपए गहलोत बोले चाहे कोई जिम्मेदारी हो अंतिम सांस तक राजस्थान से दूर नहीं रहूंगा सीएम आज लेंगे चंबल नदी के तटवर्तीय इलाकों का जायजा एमजीएस विश्वविद्यालय बीकानेर के वीसी प्राचार्य ने कराया मुकदमा और हेरिटेज हवेलियों से झुंझुनू बना ओपन आर्ट गैलरी और अब खबरें विस्तार से जयपुर ज़िले के गोविंदगढ़ थाने में जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है एसीबी ने गोविंदगढ़ पुलिस थाने में एसएचओ एच हरि नारायण शर्मा को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है एसएचओ ने पीढ़ी से धोखाधड़ी के मामले में मदद करने के एवज में दस लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी ए के ए बजरंग सिंह शेखावत ने पूरी कार्यवाही को ए के डी जी सोनी के सुपरविजन में अंजाम दिया है ए ने छः लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए थानाधिकारी नारायण को ट्रैप किया है एएसपी बजरंग सिंह ने बताया कि गोविंदगढ़ थाने के एसएचओ एच ओ हरिनारायण शर्मा ने धोखाधड़ी के मामले में परिवादी को निकालने के एवज में एक वकील के जरिए दस लाख रुपए में सौदा तय किया एक वकील ने चार लाख रुपए लेकर बुधवार को एसएचओ को दे दिए थे और आज छह लाख रुपए लेकर थाने आ रहा था इस दौरान पीछे एसीबी आने की भनक लगने पर वो छह लाख रुपए सड़क पर फेंक कर फरार हो गया एसीबी ने ये रुपए बरामद कर लिए हैं फिलहाल एसीबी की टीम फरार वकील की तलाश कर रही है कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नाम की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 28 अगस्त को चुनाव का कार्यक्रम घोषित होगा उसमें तय होगा कि चुनाव का प्रोसेस क्या रहेगा मैं आपके बीच हूं, मैं थासू दूर नहीं हूं, मैं इस प्रदेश से जीवन के अंतिम सांस तक दूर नहीं रहने वाला हूं। चाहे कोई भी जिम्मेदारी हो चाहे कुछ भी करूं। गहलोत गुरुवार को बारह जिले के अंता में मीडिया से बातचीत कर रहे थे गहलोत के इस बयान को राजस्थान की राजनीति में लगातार सक्रिय रहने से जोड़कर देखा जा रहा है करौली जिला के अंतर्गत करणपुर तथा मंडरायल क्षेत्र में चंबल नदी के तटवर्तीय इलाकों में आई बाढ़ के हालातों का जायजा लेने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को मंडरायल आ रहे हैं मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी डॉक्टर देवाराम सैनी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार वे शाम चार बजे हेलीकॉप्टर से मंडरायल पहुंचेंगे और भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे इसके बाद वे आमजन से मुलाकात करेंगे शाम पाँच बजे मुख्यमंत्री का जयपुर वापसी का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर गुरुवार से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है तैयारियों का पर्यवेक्षण करने के लिए शुक्रवार सुबह ही क्षेत्रीय विधायक और पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा मंडरायल पहुँच गए राजस्थान में शुक्रवार को हो रहे छात्र संघ चुनाव के बीच बीकानेर जिले से बड़ी खबर सामने आई है बीकानेर जिले में स्थित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के वीसी विनोद कुमार सिंह के खिलाफ बीकानेर के नाल थाने में केस दर्ज हुआ है केस दर्ज कराने वाली कॉलेज की ही एक प्रोफेसर है उनका कहना है की विश्वविद्यालय में उनका यौन उत्पीड़न किया गया है इसमें वीसी के साथ दो अन्य लोग भी शामिल है चार से पांच पेज की एफ बीकानेर जिले के नाल थाने में दी गई है जिसे पुलिस ने दर्ज कर लिया है झुंझुनू राजस्थान का वो जिला है जिसकी पहचान हेरिटेज हवेलियों से है शेखावाटी का झुंझुनू जिला जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ओपन आर्ट गैलरी है इन्हीं हवेलियों ने यहाँ करोड़ों रुपयों की कमाई भी दी है अब इन हवेलियों वाले जिले में डेवलप किया जा रहा है फाइव स्टार जैसी सुविधाओं वाला मॉडर्न गाँव एग्रो टूरिज्म के हिसाब से इन्हें खेतों के बीच में तैयार किया गया है जहाँ चारों तरफ फलों का बगीचा है यहाँ आप जब आएंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो किसी मॉडर्न गाँव में आ गए हैं झुंझुनू जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर गुड़ाना गांव में ये तैयारियां चल रही हैं अजमेर जयपुर और टोंग की प्यास बुझाने वाला बीसलपुर बांध के भरने के बाद पानी की निकासी के लिए दो गेट खोल दिए हैं करीब 6000 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है इसके लिए सभी तैयारियां पहले ही हो चुकी थी गेट खोलने से पहले सायरन बजाकर आसपास के गांव के लोगों को अलर्ट किया गया इस दौरान कलेक्टर चिन्मयी गोपाल जल संसाधन विभाग के एस वीरेंद्र सिंह सागर सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे गेट खोलने से पहले बीसलपुर बांध पर पूजा अर्चना की गई बीते उन्नीस साल में बीसलपुर बांध पाँच बार ओवरफ्लो हो चुका है सवाई माधोपुर में तेज बारिश ने सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों की पोल खोल दी है बॉली उपखण्ड के पीपलवाड़ा का गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल का एक ऐसा ही मामला सामने आया है बारिश और जर्जर भवन के चलते यहाँ स्टूडेंट्स को अघोषित अवकाश करना पड़ा है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल पीपलवाड़ा में विभागीय उपेक्षा के चलते स्कूल की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है स्कूल की बिल्डिंग की छत सालों पुरानी है स्कूल की छत पट्टियों और चूने की बनी हुई है स्कूल के एक क्लासरूम की छत टूट कर गिर गई है ऐसे में खतरे को देखते हुए विद्यार्थियों को अवकाश दे दिया गया है विधायक ने अधिकारियों को स्कूल सही करवाने के निर्देश भी दिए लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है राजधानी के दौसा जिले में शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है दौसा के सैंथल क्षेत्र के समीप मनोहरपुर कौथून नेशनल हाईवे पर हुई इस दुर्घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद के बाद घायलों को अस्पताल भर्ती कराया दौसा पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे पर कौथून के नजदीक सड़क किनारे एक कंटेनर खड़ा हुआ था उधर उत्तर प्रदेश की ओर से एक लग्जरी कार आ रही थी अचानक कार से चालक ने संतुलन खो दिया और कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी कार में नौ लोग सवार थे और सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सभी नौ लोग हादसे में घायल हो गए संभवतः कार चालक को नींद की झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ उदयपुर में मॉनसून का छठा दौर खत्म हो गया है ऐसे में जहां उदयपुर के सभी इलाकों में बरसात थम चुकी है मगर पिछले दिनों हुई भारी बरसात से उदयपुर के झीलों और बांधों में पानी की आवक लगातार जारी है उदयपुर का घासा बांध शुक्रवार सुबह छलक गया वहीं उदयपुर की प्रमुख झील में से एक बड़ी झील अब सिर्फ नौ इंच खाली है इसका दस स्तर शुक्रवार सुबह तक 31.3 तीन फीट पर पहुंच गया बत्तीस फीट क्षमता वाली बड़ी झील पाँच साल बाद छलकेगी राजस्थान में लंपे स्किन रोग अब काबू में होने का दावा किया जा रहा है रोग फिर न फैले इसके लिए भी सरकार आवश्यक कदम उठा रही है अब नगर निगम ग्रेटर भी इस रोग को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है कोविड के दौर में नगर निगमों ने जिस तरह से राजधानी में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया था उसी तरह से अब गौशालाओं में छिड़काव शुरू कर दिया गया है लंपे वायरस से रोकथाम के लिए नगर निगम अब गौशाला में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रहा है इसके लिए नगर निगम फायर ब्रिगेड को काम में ले रहा है हिंगोनिया गौशाला में बड़े स्तर पर छिड़काव का काम किया जा रहा है तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ